तो ये हमारा ऑर्डर आ गया है, पहला वाला जो है नॉन वेज प्लेटर, बहुत बेहतरीन दिख रहा है। वहाँ पर रखा होता तो उतना पीलिंग नहीं लग रहा था, और ये जो गर्मा गर्म जो इसमें से भाप निकल रही है ना, देख के बड़ा मजा। इस वीडियो में यहाँ के कुछ अलग अलग आइटम्स को ट्राई करके देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर फिनिक्स मॉल वागड़ में आप आते हैं तो यहाँ खाना आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो अभी मैं हूँ फिनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम वाकड़ में, और यहाँ का जो फूड कोर्ट है वो तो आपको पता ही है कितना बेहतरीन है, इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं आता हूँ तो कभी KFC वगैरह नहीं खाता। आई ट्राई टू लुक फॉर द प्लेसेस विच आर डिफरेंट, जैसे कि आज मैं ट्राई करने वाला हूँ कैफे अरेबिया में, जो कि पर्शियन फूड, जो मिडिल ईस्टर्न फूड है वो सर्व करता है, और बाकायदा हमस, फलाफेल, ये सब चीज़ों के साथ। मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो ये हमारा ऑर्डर आ गया है, पहला वाला। तो ये हमने मीडियम नॉनवेज प्लेटर लिया है, इसमें जो है फैमिली वाला भी आता है जो और भी ज़्यादा बड़ा होता है, बट आई थिंक दिस इज इनफ फॉर अस, एक्चुअली इट्स टू मच फॉर अस। इसमें पीटा ब्रेड होता है, जो आप मैदा या फिर गेहूँ दोनों में से चूज़ कर सकते हैं, हमने गेहूँ वाला लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर रहता है दो तरीके का डिप, पहला जो है वो गार्लिक बेस्ड डिप है, बिल्कुल मेयोनीज जैसा दिखता है वाइट कलर का, और जो दूसरा है वो भी एक तरीके का डिप ही है, तहीनी नहीं है, इट्स डिफरेंट, इट्स वेरी स्पाइसी। और जो आकर्षित करने वाली चीज़ है ना, वो है ये, जो इसमें वैरायटी का जो अलग अलग प्रोटीन सोर्स है वो मज़ा आ जाएगा आपको। दो अलग अलग तरीके का कबाब है, देखो, एक तो ये है, दूसरा ये चिकन टिक्का है, ये भी एक अलग स्टाइल का है बिल्कुल, देखो। इसके बाद सीख कबाब है, इसमें एक पूरा सीख कबाब है जो टुकड़े करके डाला है, जो रोटीसरी चिकन उधर पीछे हो रहा था, अल्फाहम चिकन जिसे कहते हैं, ये पूरा अपना अलग से एक पीस है। तो इसमें अराउंड 400 ग्राम के आसपास का चिकन है और बहुत सारे कबाब्स हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया से लेग पीस है। तो सबसे पहले हम ये सीख कबाब खा के देखते हैं, क्वाइट जूसी कबाब इट इज़, डिप के साथ तो और बेहतरीन लग रहा है। पर मज़ा कब आएगा पता है, आप इस तरीके से पीटा ब्रेड लीजिए, इसमें कबाब रखिए, थोड़ा सा सीख कबाब, थोड़ा सा ये वाला कबाब, फिर इसमें जो पिकल्ड वेजिटेबल्स हैं, चुकंदर, गाजर, ऐसा रख लीजिए, एंड यूज अदर पीटा एज ए स्पून, एंड देन एड लिटिल बिट ऑफ दिस चटनीस या फिर डिप्स, एंड योर काइंड ऑफ पीटा पॉकेट विल बी रेडी। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ बेटर वे टू ईट इट, दिस इज फैंटास्टिक वे टू ईट इट। लेट्स ट्राई दिस कबाब, बहुत बेहतरीन लग रहा है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ कबाब, ये वाले में ग्रीन मसाला है ना, हर्बल टाइप का फ्लेवर आ रहा है। लेट्स ट्राई द अल फहम चिकन, मैं इसका विंग्स वाला पार्ट ब्रेक कर लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल टेंडर है, सॉफ्ट, दैट्स हाउ टेंडर एंड जूसी इट इज़, पूरा अलग हो रहा है। इस पूरे प्लेटर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में बोलूँ कि मैं ओके था, सेटिस्फैक्ट्री था, एवरेज था। दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेट ऑफ डिफरेंट कट्स ऑफ चिकन, डिफरेंट वेराइटीज, विच यू कैन ट्राई एट कैफे अरेबिया। दूसरा जो प्लेटर हमने मंगाया है वो है मिक्स मेज प्लेटर, मेजे वट एवर यू विल से दैट। ये जो है ये थोड़ा सा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का मिक्स होता है। कैसे? वो ऐसे कि इसमें एक तो अल्फाहम चिकन है वो रहता है, इसमें हमस आता है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग मिडिल ईस्ट हैज़ गिवन टू आवर वर्ल्ड, अपार्ट फ्रॉम पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज इट्स सो हेल्दी कि जितनी तारीफ करें उतना कम। और आता है फलाफेल, फलाफेल बेसिकली जो काबुली चना होता है उसी के पकौड़े समझ लीजिए आप, वही होता है वो, इस तरीके का अंदर से दिखता है, देखिए। और इसमें बहुत सारा सलाद होता है जिसमें बेसिकली लेट्यूस यूज़ होता है। ये जो लेट्यूस है वो आइसबर्ग लेट्यूस वाली वैरायटी है, और इसमें रहता है पीटा ब्रेड, बट इसके अंदर पूरा जो रहता है वो इसका मिक्सचर होता है, तिल और जो ग्रीन मसाला होता है उसका। सो दिस टेस्ट रियली रियली बेट नाइस विथ हमस। ये क्रंची होता है, एक तरीके का समझ लीजिए पापड़ जैसा होता है, पर जब आप इसे हमस में डालेंगे, ये देखिए फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। लेट्स ट्राई द फलाफेल मिडिल ईस्टर्न पकौड़े, सुपर क्रंची, उतना फ्लेवर तो नहीं होता इसमें, बट क्रंची और ये खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ज़रा सलाद ट्राई करके देखते हैं। ओ सलाद इज़ नाइस, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं सलाद में, तो खीरा है, बेल पेपर्स दिख रहे हैं, टमाटर दिख रहा है, नाइस, और जो ऑलिव्स होती है वो भी है। इसके ऊपर उन्होंने जो चिकन है उसे भी कट करके डाला हुआ है, तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटर बन जाता है। गुड अमाउंट ऑफ फाइबर फ्रॉम सलाद,
प्रोटीन फ्रॉम चिकन और थोड़ा सा आपको काब्ज भी मिल जाएगा इससे। और इसमें वही अल्फाम चिकन है जो वहाँ पे रोटिसरी में ग्रिल हो रहा था, एंड इट्स द सेम, बेहतरीन। तो अगर आप मॉल में आते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इन सारे अलग अलग आउटलेट्स पर ट्राई करना चाहिए। आप यहाँ पर आएँ तो कैफे एरिया में एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन फूड है, मिडिल ईस्टर्न फूड है, एंड इट्स वेरी हेल्दी। अगला कौन सा मैं यहाँ पे स्टॉल कवर करूँ मुझे ज़रूर बताओ। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना, और भी वीडियोज़ आप चाहे देखना चाहें तो देख सकते हैं। मॉल का फुल टूर भी है, उसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।